सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत में टिकटॉक के 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से इस ऐप को हटा लिया गया है, यानी अब नए यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ऐप ने काम करना बंद कर दिया है और अब आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि कंपनी ने यूजर्स के अकाउंट सेफ्टी के लिए कई कदम उठाए हैं। यूजर्स किसी भी गाइडलाइन के वायलेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं, यूजर्स किसी अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं और हाल ही में टिकटॉक ने कमेंट सेशन में भी फिल्टर लगाया है जिससे यूजर्स सेल्फ डिफाइंड वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश चुन सकते हैं ताकि जो उन्हें पसंद ना हो कोई उन्हें कमेंट ना कर सके। हालांकि टिकटॉक के द्वारा उठाए गए इन कदम से शायद कोर्ट को कोई असर ना हो क्योंकि कोर्ट ने इसे ब्लॉक करने का आदेश दिया है क्योंकि ये फोन और बच्चों में यौन हिंसा को बढ़ावा देता है। लेकिन टिकटॉक ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ना ही ये कहा है कि कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है। कुल मिलाकर ये नजदीक भविष्य में टिकटॉक पर बैन जारी रह सकता है। हमने टिकटॉक से कोर्ट के इस फैसले और गूगल और एप्पल द्वारा ऐप ब्लॉक करने पर स्टेटमेंट मांगा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।